आप लोग को यही बोलते हो मेहनत सबसे ज्यादा है, किसी भी फील्ड पे जाओगे ना मेहनत नहीं छोड़ना। दूसरा दीपावली की नीयत है, नीयत बोलते ना कि नीयत और हॉनेस्ट होना चाहिए बंदा, कोई भी काम करे ना उसके प्रति हॉनेस्ट होना चाहिए। उसको बिजनेस नहीं समझना, हर चीज को कोई भी चीज ले लो, चाहे आप प्रोफेशन कोई भी करो, ऐसे मत समझना कि चल कोई नहीं आ रहा। मतलब नेचर बॉय ऐसा होना चाहिए, हॉनेस्ट होना, ईमानदार होना चाहिए। मतलब उसके लिए जो भी कर रहा है नेचर खुद दे देगा, सब कुछ दे देगा, देने वाला कोई और है। और तीसरी चीज मैं आपको ये बताता हूँ लास्ट, कभी भी ना मतलब असफलता मिले ना कभी हार मत मानना, लगे रहना जिंदगी में, कभी ना कभी पक्का दरवाजा खोलेगा आपके। ये तीन चीजें मैं बोलता हूँ, सुझाव बने इस पर, और ये कभी भी लाइफ में हमेशा काम आएंगे आपके। हार्डवर्क ऐसी चीज है ना, कुछ भी करा देते आप, कुछ भी। आप अभी जीटी के बंदे ना, आप में से कोई बंदा अच्छे से क्रैक कर सकता है, हकीकत बोलो मैं अच्छे से क्रैक कर सकता है अगर बंदे में जीत होगी कुछ टाइम बाद। और अगर जीटी के लड़के को भी देखे, मैंने जीटी का निकलता बाद पुलिस के टॉपर नीति, तुम्हें वैसे तो धरो अरे सिरमौर का जो टॉपर नहीं पुलिस का, जीटी का लड़का हो या मेरे पास पड़ा हो जीटी का लड़का, आप बताओ कहाँ से कहाँ पहुंच गया। अगर बंदे करने की हिम्मत हो ना बच्चा कुछ भी कर देता, वो बंदा भी पागल था। अगर जब ग्राउंड ही निकला था ना बंदा बिल्कुल वैसे था, इधर से उधर जाता था उधर से इधर, बंदे ने पूरी अकेडमी पूरा राम के शामिल उसको एक चीज बोलता बड़ा जितना तो मेरे से होगा। मैं आप लोग को भी बोलता हूँ जितना मेरे लायक होगी ना कुछ करने का मुझे बता देना, मैं हमेशा करने के लिए तैयार रहता हूँ। वो बच्चा अभी जितने ही रहता था रेल मरने पर घूमना और बंदे ने पुलिस में टॉप किया। सचिन देखो उसने 5 मिनट नहीं दिए पर नहीं मिली थी बस सक्सेस, लास्ट में सामने क्रैक ही कर दिया, एक रन जीता वो बच्चा जिंदगी बहुत मौका देगी। अभी तो आप 20-21 अरे जिंदगी को बड़ा भारी मौका देगी, अभी आपको आगे और मौका देगी। हाँ देगी तब मौका जब आप मेहनत करते रहो। अगर सोचे जैसे अब जैसे तुम लोग पेपर की तैयारी की ना, आपका जो काम था मेरे हिसाब से खत्म, आप लोगों ने मेहनत करनी थी वो कर दी। इसके बावजूद अगर कोई बच्चा रहता है अब वो कभी भी अपने भाग्य को नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको पता है यार मैंने भगवान की थी मेहनत, तेने दिया था मौका मैंने की थी, नहीं दिया तेने तो अलग बात है, इसका मतलब तेरे को कोई और मौका फिर मिल जाएगा पक्का, और जिंदगी में मौका पक्का मिलेगा। मैं इन चीजों पर हमेशा विश्वास करता हूँ, क्योंकि हम भी बेटा खुद गाँव के एरिया से आए हुए, मैं उसी तरह से आया जहाँ से तुम आए हुए, और हम लोगों के पास होती हुई ये चीज है ईमानदारी हार्डवर्क और कुछ नहीं होता, तुम लोग के पास भी यही चीज है, और इस पे हमेशा विश्वास भी करना और हमेशा डाउन टू अर्थ रहना, कभी ना उठ मत जाना। उठने का मतलब मेरा ये है एक बार बंदे को सक्सेस मिल जाते हैं तो सोचता है यार मेरे बराबर कोई बंदा ही नहीं है। एक बार ना हॉस्पिटल का और शमशान घाट का चक्कर जरूर मार लेना बीच में, क्योंकि वहां पे आपको ऐसी फीलिंग आएगी यार बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जो बंदा देखता किसी बार कभी किसी को कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब लाइफ परमानेंट नहीं है, समझ रहे आप। इसीलिए माँ बाप देखो इतने बच्चे भी हम इधर है, कल आप लोग आपको बताए यहाँ हिमाचल की डायरेक्शन में घूम जाओगे, पूरे हिमाचल में घूम जाओगे आप अलग अलग डायरेक्शन से घूम जाएंगे, कौन बंदा अपनी लाइफ में कहाँ जाएगा कोई पता नहीं चलेगा। ये सच्चाई है कि हम कुछ टाइम के लिए मिले थे, जैसे अभी 2-2.5 महीने के लिए मिले थे, पर यादें बड़ी अच्छी रहती है आपको जिंदगी भर। आप लोग बूढ़े भी हो जाओगे ना तब भी कभी बोलोगे अपनी शादी से बच्चे हो जाएंगे बच्चा ही वही ना मोम अकेडमी में पढ़े थे, याद रहती है। हम मैं भी हमेशा ही सोचूंगा जब बचपन में आपकी वीडियो देखो लास्ट में ना मैं जब आपकी बुढ़ापे में वीडियो देखूंगा तुम्हारी तो देखना मुझे याद आएगा ना ये बच्चे भी पढ़ाए थे, तब तो आपको पता नहीं तो पढ़ाने का बुढ़ापे में बंदा कहाँ पढ़ाएगा, तब बंदा सोचेगा नहीं यार मेरे पढ़ाए बच्चे भी बहुत सारी जगह पहले रहे। तो ये चीजें याद रहती है, जिंदगी है ही यही चीजें, परमानेंट लाइफ में कुछ नहीं है। तो शौक वगैरह नहीं थे कुछ टाइम शौक है तुम्हारे हमेशा जैसा नेचर है वैसे रखे, क्योंकि हमेशा आपको पता है जो वृक्ष में फल लगते हो हमेशा झुके हुए रहते हो कभी नहीं उछलते, बिल्कुल शांत रहता हो, और जो उछलने वाले होते हैं तो बंदे जैसे कहीं होगी ना उस जाते हैं आर्मी लगे बंदा सोचते मेरे तो सारा लेवल ही कोई नहीं है बंदा ही कोई नहीं है, बच्चा नेचर में बड़े से बड़े धुरंधर है इस दुनिया में बड़े से बड़े धुरंधर है। पर हमेशा बंदा वो माना जाएगा जो अपने नेचर में भी बड़ा पोलाइट है, अपने हार्ड वर्क पे सबसे ज्यादा मेहनत करता हूँ हार्ड वर्क पे, और हॉनेस्ट लाइफ की तीन चीजें कभी आपको मानी थी कभी नहीं देती अगर ये तीन चीजें किसी की है
मैं तो खुद भी नहीं कोई फॉलो करता हूँ, मैं कभी इस चीज पर नहीं करता कि पता नहीं यार मेहनत कर, पता नहीं देख मेरे भगवान देगा कि नहीं देगा वो अलग बात है, पर तू अपने आप से मेहनत कर ले। और होता भी यही है, अब जो मेरे काम का था मैंने कराया, मैंने अपनी पूरी जान डाली जो तुम्हारे में थी, पर ये अब इसके बाद अब आप बोलता बच्चा अच्छे से हो गया है, अब कईयों का अगर किसी का रह भी जाता है तो उसमें आप ये मत समझो कि पता नहीं भगवान ने मेरे साथ ही किया, और अच्छा होता है लाइफ इससे भी अच्छा होता कई बार। और तुम लोग की एज ग्रेजुएट कितने बंदे बच्चा, आप लोग ना जितने हैं ना, जो मैं क्यों बोलता हूँ सुझाव ये देता हूँ, आप लोग ना पढ़ाई पे लगे रहो, जैसे आपने भी पढ़ा था ना, आप कल्पना करो कोई बंदा एक साल दब के ना तो यार पुलिस के पेपर भी कोई पेपर होते तो एच एस करा के टारगेट भी, हकीकत बोल रहा हूँ मैं, एच एस के सोचे सर एच एस ही देखा जाएगा, कोई भी पेपर तुम क्रैक कर सकते, तुम इतना पोटेंशियल है, कभी अपने आप को ना लाइटली मत समझा करो, तुम बोलते सर ना ना हमें जीडी के काम, हम किसी काबिल नहीं है, अरे तुम लोगों में जो टैलेंट होता है वो किसी में नहीं होता। बच्चे तो मैंने भी बड़े भारी पढ़ाए पार वाले, इसके बाद ये मेरे काम होते, इसके बाद मैं तो पढ़ा था, मेरे तो लाइफ में यही शराब होते, पर मैंने जिंदगी में चीज की जो जुनून तुम्हारी होता ना वो किसी में नहीं होता, ये मानकर सिर्फ डायरेक्शन, हाँ एक चीज तो है तुम्हारे को डायरेक्शन चाहिए होती, हर किसी तुम होगी ना कहीं साहब आपकी ये हकीकत है। और अगर कोई जिद डाल दे तुम में से भी बंदा तो बहुत तगड़ा टैलेंट होता है, आप खुद सोचो आप कितने घंटे पढ़ते थे, इनको बोले इतने घंटे पढ़ो पागल हो जाएंगे, तो नहीं पढ़ सकते इनमें नहीं इतना, आप में इतनी हिम्मत है आप पढ़ सकते हैं, आपने सुबह से देखा भी देखो आतंक मचाया था, पर लाइब्रेरी में पागलों की तरह पढ़ रहे थे, है नी कहीं भी जाओ आप पागलों की तरह पढ़ रहे, कुछ भी करो देखो पनिशमेंट में तुमने जेली जो मर्जी तुम्हारे को मारो पिटो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे को पता है क्या करना है, तुम्हारे आर्मी के लिए कर रहे थे वो सब चीजें, आपकी भलाई के लिए कर रहे थे, इसीलिए बच्चा तो जितनी एनर्जी आप में है उस एनर्जी को आगे भी बनाए के रखना, किसी भी एग्जाम में किसी भी फील्ड में अगर किसी को मिल भी गई और अगर मेरे लायक कुछ होगा, अगर आपको लगे ना इसके बाद इस तरह में कुछ नोट्स वगैरह कभी भी कुछ भी मुझे कॉल कर देना, नंबर होना सर के पास जब मर्जी कॉल करो, जरूरी नहीं है बच्चा कई बार नहीं आ पाता, हर बच्चा नहीं आ पाता, देखो कहीं की फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम होती है, कहीं की कुछ भी प्रॉब्लम, इसीलिए मैंने हमेशा ज्यादा इस पर टारगेट नहीं करता कि भाई अगर आपको लग रहा कि नहीं है बच्चा तो नोट्स ले जाओ घर, ले जाओ घर में पढ़ लो, आप उसमें भी तैयारी कर सकते हैं, समझ रहे आप, पर हाँ ये लगे रहना जिंदगी छोड़ना मत, क्विट तो करना ही ना, कई बंदे बता क्या करते बस एक साल निकला है तो ठीक है, नहीं बच्चा अभी नहीं पता गरीबी कितनी पड़ते, कई तो ऐसे जिंदगी पहली थी अरे तुम्हारे पास नहीं पता नहीं कितने गरीबी आने आगे कितने पास मिलना, पर एक है कि लगे रहो जिंदगी में कभी ना कभी मिलेगा, और जिनकी लास्ट बढ़ती है बच्चा बहुत पेपर होते हैं, ये तो चलो इसमें सिलेक्ट हो गए चले जाओ, चार साल बाद जब वापिस आओगे तब भी तो है, तभी तो कुछ करना है, तो हिम्मत कभी नहीं आना ना कभी मेहनत छोड़ना, लगे रहना इसमें लाइफ में, कभी ना कभी अच्छा भी आएगा, आप दोबारा अच्छा भी आएगा, देखिए आते होते सही रखना है, आते होते मत बनाना, क्योंकि छोटे जी टी बच्चे ना एक चीज होती है आदतों का होता होता बड़ा इशू, आप लोगों में आदमी बड़ी होती है कहीं में ना उन चीजों पर बड़ा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्शन कहीं और ही चले जाते बच्चे, बस ये चीज बाकी जो है मेहनत बच्चा।